सो यार माइनक्राफ्ट हम लोग नॉर्मल खेलते खेलते बहुत ज़्यादा बोर हो गए, इसलिए हम लोग इसमें कई सारे मॉड्स ऐड करते हैं। सो ऐसा ही एक मॉड का सीरीज़ है मेरे चैनल पे जो है ओपी लूट मॉड्स, जो कि आपके गेम प्ले बहुत ज़्यादा फन ऐड करते थे, आपको गेम प्ले कम्प्लीट करने में और भी ज़्यादा मज़ा भी आता है। बट मैं सोचा कि इसके साथ साथ और भी कई सारे दूसरे गेम्स की भी वीडियोज़ लाओ। सो यार कमेंट करना कि कौन से गेम्स की वीडियो लाऊँ मैं नेक्स्ट। सो यार बिना बकवास के आप वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो यार आप लोग माइनक्राफ्ट में फार्म्स तो बनाते ही होंगे, और फार्म्स में आप लोग काउस को भी रखते यार, बट काउस का कोई ज़्यादा रोल रहा नहीं माइनक्राफ्ट में, क्योंकि इनमें बस मिल्की कर सकते हो, मिल्किंग में कुछ आपको मिलता नहीं एक्स्ट्रा। बट यार आज के मॉड में लेके आऊँ आप लोगों के लिए मिल्किंग गिव्स यू ओपी लूट। इसमें आप लोग अगर मिल्किंग करोगे काउ से तो आपको बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली लूट मिलने वाली है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं काउ को स्पॉन करने वाला हूँ, क्योंकि अपने वर्ल्ड में यार अपनी किंग है और गॉड सब कुछ अपनी है। और यहाँ पे जस्ट आपको मिल्किंग पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको जो लूट है ओपी लूट है यहाँ पे आपको जस्ट मिल जाएगी। सो समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया वाला मॉड है, और ये वाला मॉड आप लोगों ने और भी कहीं देखा होगा गेमर फ्लीट की वीडियो में। सो या लाइक कर देना गेमर फ्लीट के नाम पे। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़िया वाली लूट दे रही है। ऐसी गायों को आप लोग पालो, फार्म में रखो, तो आप लोगों को भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली कभी। देख सकते हो ये जो नेदराइट का इनगट है, इसे इग्नोर मारना, ये मेरे इन्वेंटरी में पहले से था, सो इसे छोड़ देना अभी। बाकी जो भी इधर आप लोग देख रहे हो वो सारा मुझे लूट यहाँ पे काव से मिली है। सो यार देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़िया वाली लूट यहाँ पे काव दे रही है। और यार अगर आप लोग अच्छे खासे बकेट बस आप लोगों को बना लेना है, जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली ईजिली मिल्किंग कर पाओ। और यहाँ पे देख सकते हो क्या ही खतरनाक वाली लूट मिल रही है यार, नेदराइट की शवल मिल गई और डायमंड का यहाँ पे मुझे ब्लॉक भी मिल गया। सो माइनक्राफ्ट में हम लोग डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, बट यार एक चीज़ हमेशा रहती है कि फ्लावर्स से बस डेकोरेशन ही होता है और कुछ लूट नहीं मिलती हमें। सो यहाँ पे इसलिए मैं लेके आप लोगों के लिए फ्लावर गिव्स यू ओपी लूट। सो यहाँ पे अगर आप फ्लावर्स को तोड़ोगे तो आपके बहुत तगड़ी वाली ओपी लूट यहाँ पे मिलने वाली है। जस्ट यहाँ पे मैं इन्हें प्लांट करते रहो सबसे पहले, और यार एक कंडीशन, अगर आप इन्हें नॉर्मल ऐसे करके पिक करोगे तब ये वाला मॉड काम नहीं करेगा। आप लोगों को क्या करना है, इसके नीचे का जो डर्ट ब्लॉक रहेगा उसे आपको तोड़ना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे जैसे अभी मैं तोड़ा हूँ, सो यहाँ पे ऐसे करके आपको तोड़ना, और यहाँ पे आपको ओपी वाली लूट मिल जाएगी, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो नेदराइट के बूट्स मिल गए, मुझे पोशन मिल गया और एनविल भी मिल गया। सो बहुत ज़्यादा तगड़ी लूट है ये। और यहाँ पे अगर मैं पॉपी को प्लांट करके दिखाऊँ तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे फिर से मैं वैसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपको नीचे वाला ब्लॉक को तोड़ना है और आपको तगड़ी वाली ओपी लूट मिलने वाली है। और अब फिर से बता दूँ कि आप लोगों को प्लांट को डायरेक्टली फ्लावर को पिक नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज जो है आपका मॉड काम नहीं करेगा सही से। सो यार देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़िया वाली मुझे लूट मिल गई यहाँ पे। और यहाँ पे अगर एक और प्लांट को पिक करूँ मैं, सो यहाँ पे देख सकते हो नेदराइट इनगट तक भाई मुझे ओवर वर्ल्ड के अंदर ही मिल गया, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि नेदराइट बहुत ज़्यादा रेयर है। माइनक्राफ्ट में इतने सारे मॉब्स हैं, बट हम लोग ट्रेडिंग बस एक ही मॉब से कर सकते हैं, वो जो कि विलेजर। सो बहुत ज़्यादा अनफेयर लगता है ना। सो या भाई बाकी सब मॉब्स का एक मसीहा बन के मैं आया हूँ। सो इन्हें भी ट्रेड करने की एबिलिटी मैंने दे दी आज, जिसमें ये लोग ट्रेड कर सकते हैं हमारे नॉर्मल पेयर से। फिर लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि जैसे ये काव है, इससे बस मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे इसके पास जाना है और एमरल्ड से ट्रेड पे टैप कर देना है। सो भाग रही है, तो इसी वाली बहुत अच्छी काव है। सो देख सकते हो यार ये वाली सही में बहुत ज़्यादा अच्छी काव है, क्योंकि इसने मुझे दिया डायमंड की स्वॉर्ड और 4 एमरल्ड में। भाई कितनी ज़्यादा बढ़िया वाली बात है, इस काव को तो भाई मैं मार दे रहा हूँ। सर अगर आप लोगों का माइनक्राफ्ट में कोई दुश्मन होगा, सो आई नो कि वो क्रीपर ही होगा, क्योंकि क्रीपर बहुत ज़्यादा बेकार है। बट यहाँ पे वो आप लोगों को इस बार 3 एमरल्ड के बदले एक आयरन इनगट देगा, नेदराइट इनगट देगा, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी है। और यहाँ पे अगर ड्राउनेट की बात करें तो ड्राउनेट तो यार क्या ही तगड़ी वाली लूट दे रहा है, नेदराइट पिकैक्स दे रहा है, वो भी बस एक एमरल्ड में। भाई सोच सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा तगड़ी लूट है। सो यार हम लोग आ गए हमारी लास्ट लिस्ट पे। सो यार वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो यार इस वाले मॉड में मैं आप लोगों के लेकर मल्टीप्लाइंग क्राफ्टिंग टेबल, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है इस लिस्ट में, क्योंकि इससे आप लोग अपने 9 आयरन इनगट्स या 9 डायमंड से आप लोग स्टैक भर के आप लोग ब्लॉक्स बना सकते हो उनके। सो आप लोगों को बस ये कुछ आपको एलिमेंट्स लेना है, उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल पर जाना है, और कुछ ऐसी रेसिपी आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिख रही है इसे प्लेस कर देना है। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा क्राफ्टिंग टेबल, जो कि मल्टीप्लाइंग क्राफ्टिंग टेबल, बहुत ज़्यादा तगड़ी क्राफ्टिंग टेबल लगी मुझे, क्योंकि आप लोगों को बस इसमें 9 आयरन इनगट डालना है, और यहाँ पे आपको 64 ब्लॉक्स मिल जाएंगे आयरन के, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लगा भाई मुझे। और यहाँ पे ये सेम चीज़ आप लोगों हर एक एलिमेंट के साथ कर सकते हो, भले ही वो डायमंड ही क्यों ना हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने 9 डायमंड रखे, और यहाँ पे मुझे एक स्टैक मिल गया ब्लॉक्स का, और नेदराइट रखे तो नेदराइट के भी मुझे ब्लॉक मिल गए स्टैक्स के। सो अब यार इस वाले मॉड से आप लोग माइनक्राफ्ट में अंबानी बनने वाले, और कोई आपके आगे पीछे भी नहीं रहने वाला। सो आप लोग अब इससे नेदराइट का एक स्टैचू भी बना सकते हो, जो कि बहुत
ज़्यादा बैडास होने वाला है। सो यार आज की वीडियो में था बस इतना ही, फिल्म आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय बाय। और यार अगर हमने वीडियो को पता लाइक लाइक करते हो, चैनल पर न्यू तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी करते हो, और ये भी बताना कि मुझे नेक्स्ट कौन सी गेम पे वीडियो बनानी चाहिए। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।